वेलकम टू पार्ट टू ऑफ माई सोलर पैनल गाइड। इस वीडियो में हम इन पैनल्स को लगाएंगे, वायर करेंगे और इनसे पैदा हुई हुई बिजली को इस्तेमाल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आज से जो हमारे सोलर पैनल चढ़ना शुरू हो गए और इंशाल्लाह इनकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। पहला सोलर पैनल चढ़ रहा है हमारा, बिस्मिल्लाह करके ऊपर देख के चार पैनल लग चुके हैं। हमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ही लगा और इसकी वजह ये कि इन्होंने पहले से मेजरमेंट करके सुराख किए हुए। आई थिंक दैट्स वेरी स्मार्ट। तो अभी बस सिर्फ लगा रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं। अभी इसकी अलाइनमेंट हो रही है ताकि स्टिकर जो है साथ साथ एक ही सीरीज में आए। सोलर पैनल लगाते हुए आपको एक बहुत ख़ास ख्याल रखना है, वो ये कि सारे जो स्टिकर हैं सोलर पैनल के वो एक ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एक ही तरह से लग रहे हैं। इससे ये होगा कि सोलर पैनल्स एक ही उसमें सीरीज़ में लगेंगे और आपको बाद में इलेक्ट्रिक इश्यूज नहीं आएंगे। टेक्निकल ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड। तो इसका आपने ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है। मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम लगेगा सोलर पैनल लगाते हुए, मगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमने वी आर ऑलमोस्ट 60% डन। तो थिंक द प्रोग्रेस इज़ वेरी क्विक, आज ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे सोलर पैनल थी जल्दी लग रहे हैं इज़ बिकॉज उन्होंने जो है प्री प्लानिंग की थी। तो सर समझाएं आपने कैसे किया था। सर मेन चीज़ जो टेक्निकल चीज़ है ना, ये होल है। अगर हमारे होल बराबर आते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा और फिटिंग भी ज़बरदस्त होगी। जो बाद में हम वेल्डिंग के साथ होल करेंगे तो वो प्लेट भी ख़राब होगी, स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा। तो आपने कैसे किया इसको? हमने ये जो प्लेट है इसी साइज़ का एक फ्रेम बनाया है। पाइप का बना लें आप, लकड़ी का बना लें, इसके ऊपर रख के आप इसको एक निशान लगाएंगे। ग्लू ले लें, कोई चीज़ ले लें, इसको अंदर से सुराख को बराबर करके निशान लगाएंगे। ये आपकी प्लेट तैयार हो गई। आप ऊपर रखते जाएं, ऊपर निशान लगा के आर्जी तौर पे और उसको ड्रिल के साथ सुराख कर लें। कि आप ड्रिल के साथ सुराख कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपकी प्लेटें आसानी से फिट हो जाएंगी। ज़बरदस्त, बहुत स्पीड में काम हो रहा है। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर कितनी प्लेटें हो गई हैं? थिंक ये 16 हो गई। तो 1 घंटे में हमने 16 प्लेटें लगा ली हैं। आखिरी पैनल लग रहा है, बहुत मेहनत के बाद काफ़ी खुशी हो रही है ये आखिरी पैनल लगते हुए। इंशाल्लाह अब देखें, होपफुली इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। सो वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और आज हमारे सोलर पैनल के इंस्टॉलर्स आए हैं एंड ही इज़ नो अदर दैन हबीब फ्रॉम ई वॉल ऑनलाइन। आप इनका यूट्यूब चैनल देखा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो इनकी एक्सपर्टीज़ हम आज यूज़ करेंगे टू इंस्टॉल। सो आप इनके चैनल पे भी आप देख सकते हैं पूरा सेटअप। मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इनके चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसी वजह से मैंने इनको अप्रोच भी किया। तो विल लर्न मोर फ्रॉम हिम टूडे। ऑरेंज और ब्लैक में क्या फ़र्क है? ऑरेंज जो है वो पॉजिटिव है और ब्लैक जो नेगेटिव है। इन्वर्टर इसमें इस्तेमाल हो रहा था उसके अंदर डबल एम्पलीफिटी है, यानी कि 24 पैनल्स हैं तो 6, 6, 6 और रिमेनिंग 6 की स्ट्रिंग्स को हम इधर से नीचे उतारेंगे और फिर प्रोटेक्शन बॉक्स में जाएगा, यानी कि डीसी ब्रेकर्स में जाएगा और डीसी ब्रेकर से होकर फिर हमारे इन्वर्टर में चला जाएगा। तो इस तरह जो स्ट्रिंग्स बनाई जा रही हैं वो 6, 6 पैनल्स को सीरीज में किया जा रहा है। मेरे घर में इस वक्त नेट मीटरिंग पॉसिबल नहीं थी एज आई सेड, तो हाइब्रिड ऑप्शन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो ऑफ ग्रिड ऑप्शन के ऊपर मैं गया हूँ। और ये फ़ैसला मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था क्योंकि आजकल के जो इन्वर्टर्स हैं ये बेसिकली आप समझें जैसा कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसी तरह ये सोलर सिस्टम का एक ब्रेन पावर है। तो ये जो है आजकल के जो मॉडर्न इन्वर्टर्स हैं ये आपके जो है लोड को बड़ी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आपको बैटरी पावर्स में भी आपको अच्छा लोड जो है डिवाइड कर लेते हैं। और इन फ्यूचर अगर हम अभी दो हैं, तीसरा एक और यही वाला इन्वर्टर लगा के हम इसको नेट मीटरिंग में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये जो आजकल के इन्वर्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं आप सोलर मैक्स का लगाएं, और नाइट्रॉक्स का भी है, इन्वर्टर्स का और टेस्ला का भी है। तो ये काफ़ी स्मार्ट हैं और ये
ऑन आप मोबाइल ऐप पे भी इसको देख सकते हैं इनकी क्या आप कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं और कितनी आप खर्च कर रहे हैं, कितनी आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन इन्वर्टर्स की वजह से मेरा जो फैसला था सोलर लगाने का वो बहुत मेरे लिए आसान हो गया था। तो फिर मैं इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि मैं भी देखने लगा हूँ कि जो ग्रिड के कनेक्शन हैं वो कॉमन हुए हुए हैं या नहीं। बेसिकली ये दो इन्वर्टर हैं, देर ऑल वाई फाई कनेक्टेड, दोनों को मैं चेक करूँगी कॉन्टिन्यूटी मोड के ऊपर, ये हमारे पास कॉमन है। इसी तरीके से हम न्यूट्रल को भी चेक कर लेते हैं, न्यूट्रल भी कॉमन होगी, यानी कि दोनों इन्वर्टर के चार्जिंग को हमने कॉमन कर लिया है। इसी तरीके से दोनों इन्वर्टर के लाइट लोड की लाइन को भी कॉमन कर लेंगे और दोनों इन्वर्टर के हैवी लोड के फेज यानी लाइन को भी कॉमन कर लेंगे। ये दोनों इन्वर्टर हैं 6 साल की वारंटी के साथ आते हैं और ये वाटर प्रूफ हैं IP65। और सोलर पैनल्स की कितनी साल की वारंटी है? सोलर पैनल्स 10 ईयर प्रोडक्ट वारंटी होती है और 25 ईयर्स परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इन इन्वर्टर्स की वैसे बात कर ली जाए तो जिस तरह आपने देखा होगा कि सिर्फ आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांड पे नहीं रहना कि सोलर मैक्स ही लेना है, इन्वर्टर्स लेना है, आपने खुद सर्च करना है कौन सा बेहतर ऑप्शन है। सोलर मैक्स की बात की जाए तो ये हमें 6 ईयर्स की वारंटी के ऊपर मिलता है, इन्वर्टर्स के नाइट्रॉक्स की बात की जाए तो वो 5 ईयर्स की वारंटी भी आता है, बट इनकी अगर टेस्टेड लाइफ की बात की जाए तो 10+ ईयर्स की होती है, यानी 10 साल प्लस वारंटी के ऊपर आते हैं। फिर डिफरेंट इम्पोर्टर्स हैं, कोई 5 ईयर्स की वारंटी पे ऑफर कर रहे हैं, कोई आपको 6 ईयर्स की वारंटी पे ऑफर कर रहे हैं, लिटिल बिट से थोड़ा सा इनके फीचर्स में फ़र्क आ रहा होता है, बाकी कहा जाए कोई बहुत ज़्यादा फर्क है तो इन इन्वर्टर्स में और इन्वर्टर्स में कोई फर्क नहीं है। और साथ में वो सर्ज प्रोटेक्शन है, इसमें अगर बिजली आसमानी बिजली वगैरह गिरती है तो इसके अंदर तमाम प्रोटेक्शन प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये DC का ब्रेकर है, DC की प्रोटेक्शन मौजूद है, इसमें बिल्ट इन SPD आती है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लगाना बेहतर है। तो आप देखेंगे कि Schneider के DC ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, बैटरी प्रोटेक्शन को इंस्टॉल किया जाएगा, आप तो ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इसके साथ लाजमी लगाएं। 8 बैटरी हैं टोटल और ट्यूबलेस बैटरी है, 185 एम्पियर्स और हालत आप देख रहे हैं कितने बज रहे हैं सब, इस वक्त 9:15 हो चुके हैं। दीप भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये आखिरी है, इन्होंने इसको ऑपोजिट एंड्स पे लगाया हुआ है प्लस माइनस के, ये इसलिए कि जब कनेक्शन करते हैं तो यहाँ से इजीली क्रॉस ओवर हो सके, साइड से प्लस है या माइनस, प्लस को हम एक जम्पर लगा के यहाँ से करेंगे, इस तरीके से एक जम्पर वहाँ पे यहाँ से करेंगे। और ये काम हमने सोलर पैनल्स में भी किया है, सेम चीज़ है ना, हमारे सोलर इन्वर्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं और हम फाइनल स्टेज पर हैं। अब हम सोलर पावर को अपनी घर की पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी बैटरीज भी कनेक्ट हो चुकी हैं, 8 ट्यूबलेस बैटरीज हैं। फाइनली सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए मैं अब सारी घर की बिजली बंद कर रहा हूँ, फिर हम सोलर पे कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह, फिर स्टार्ट यूजिंग सोलर पावर। आपने अभी पहले 2 पे किया, सोलर पावर पे कन्वर्ट हो रहा है, नहीं होगी मेहनत अभी रंग लाने वाली, सब हमारे सांस सूख के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी जनरेशन आ रही है, 1.1 किलो वाट, ठीक हो गया, सोलर ग्रिड भी यूज़ भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहा, चार्ज कर रहे हैं, लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाए, लोड इंक्रीज करते हैं। अब क्योंकि सोलर पावर जनरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन आप कितना लोड यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए अपना घर का लोड बढ़ाएंगे, विच मीन्स कि हम अब AC चलाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने AC अब सोलर पे हम चला सकते हैं। इस वक्त दोपहर कड़कती हुई धूप है, इस वक्त 3 बज रहे हैं और हम पहला AC चलाते हैं अपना कमरे का, 2.2 × 2 = 4,200 वाट और जनरेशन और बैटरी चार्ज हो रही है 2.4 × 2.5 = 5,000 वाट जनरेट करें, अपलोड और इंक्रीज करें। जैसे आपने देखा मैंने 3 AC चलाए और फिर भी सोलर पैनल्स ने AC की डिमांड को पूरा किया है, तो ये 10 किलोवाट का सिस्टम है
और अगर ये 70% एफिशिएंसी पे भी चलता है, विच इज़ मोस्ट सोलर पैनल्स एफिशिएंसी रेटिंग, तो ये 7 kW प्रोड्यूस कर सकता है एट इट्स पीक टाइम. तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सिस्टम एज यू सॉ. अब इस पे आ जाते हैं इसकी कॉस्ट पे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पूछा था पिछली वीडियो में. तो ये एक प्लेट 20,000 की मुझे पड़ी है. ये 435 वॉट इसका रेटिंग है. तो 20,500 अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन 24 पैनल्स का, तो टोटल कॉस्ट बनती है तकरीबन 4,90,000. तो दैट्स द कॉस्ट ऑफ द पैनल्स. अब हम जाते हैं इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट पे. स्ट्रक्चर की कॉस्ट वेरी करती है बहुत ज़्यादा, आप कहाँ रहते हैं और किस किस्म का मटेरियल आप यूज़ करें, उस आपकी लोकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट आपको उसी वक्त पता चलेगी जब आप किसी को बुलाएंगे स्ट्रक्चर बनवाने के लिए. मगर मैं अपनी कॉस्ट बता देता हूँ. मुझे लगे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 1,10,000. मैं अगर ये स्टेनलेस स्टील में बनाता तो मेरी कॉस्ट तकरीबन डबल हो जाती. ये डायरेक्ट करंट की हाई क्वालिटी कॉपर वायर्स हैं और ये मुझे तकरीबन 20,000 रुपये की पड़ी हैं. सोलर इन्वर्टर मुझे तकरीबन 1,26,000 का पड़ा है, तो दो तकरीबन 2.5 लाख के पड़े. और ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं और ये सारी वायरिंग डक्टिंग सॉरी और ये नीचे भी बैटरी के सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये तकरीबन मुझे 40,000 के पड़े हैं. ये 8 बैटरियां मुझे 1,76,000 की पड़ी हैं. मतलब एक बैटरी 22,000 रुपये की है और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल है 5 साल. अगर आप ये सारी कॉस्ट मिलाते हैं विद इंस्टॉलेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, तो आप तकरीबन 11 लाख की फ़िगर को देख रहे हैं. अगेन मैंने आपसे कहा इट डिपेंड्स, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होगी कॉस्ट में, बट अराउंड 11 लाख द गुड एस्टिमेट इज़ 1 kW का 1 लाख. तो अगर आप 5 kW का देख रहे हैं तो 5 से 6 लाख, 3 kW का आपको 3 से 4 लाख. तो इसलिए एक बहुत अच्छा एस्टिमेट है. और ये मैं आपको 2020 की प्राइसेस बता रहा हूँ, फ्लक्चुएट होती रहती है प्राइसेस. सोलर सस्ता हो रहा है हर साल इंशाल्लाह, तो होपफुली ये प्राइसेस नीचे आएंगी और बहुत सारे लोगों की पहुँच के करीब आ जाएंगी इंशाल्लाह. ये सोलर इन्वर्टर आपको, ये होम स्क्रीन है और ये फुली टच इनेबल्ड है, आप किसी को भी टच कर सकते हैं चीज़ को. और ये हर चीज़ पे आप लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर एज आई सेड, तो आप इसमें हर चीज़, बैटरी, सिस्टम वर्क मोड क्या है. ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त सोलर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अभी बिल्कुल शाम होने वाली है. और ये ग्रिड कितनी ले रहा है, घर कितना ले रहा है लोड, बैटरी कितनी ले रही है. सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपके फ़ोन में भी आ जाती है और यू कैन मॉनिटर ऑल ऑफ दिस रिमोटली फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. लेट मी जस्ट शो यू. सो ये जो इन्वर्टर्स हैं ये सोलर मैन स्मार्ट की ऐप के साथ आते हैं. सो विल जस्ट गो इनसाइड. और ये बड़ी इंटुएटिव है. तो जिस तरह अभी अब मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त कितनी मैंने आज कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई है, आज कंज्यूम कितनी हुई है, ये बैटरी की इस वक्त परसेंटेज क्या है. और ये हर 10 मिनट पे तकरीबन 7-10 मिनट पे अपडेट होती रहती है एंड डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. ये देखें ना, ये मैं कल का भी देख सकता हूँ, आज की क्या प्रोडक्शन है, सारा आपको पता चल जाएगा. और इसमें आप डिटेल्स में जा सकते हैं कि किस वक्त बिजली गई है, किस वक्त जो है आपने जो ग्रिड पावर है, बैटरी किस वक्त जा रही है, कम हो रही है, तेज़ ज़्यादा हो रही है. सो यू कैन जस्ट, यू हैव सो मच कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. तो ये देखें, मैंने ग्रिड को ऑफ़ कर देता हूँ दिन में और अभी शाम होगी तो मैंने ग्रिड को फिर से ऑन कर दिया. उसके अलावा ये पूरे ग्राफ्स हैं और स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं तो ये पूरा आपको डेटा बता रहा है कि आप कितना दिन से आपका चल रहा है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, आपने अभी तक कितने प्रोड्यूस किए हैं. और डेली का आपको बता रहा है, इस दिन देखें बारिश हुई थी तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई है, बाकी दिनों में माशाल्लाह से अच्छी प्रोडक्शन हुई है. अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लोड. और इसकी एक जो है अलर्ट्स भी आपको आ जाते हैं और यू कैन मोनिटर दिस फ्राम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ये सब सेटअप हो चुका है, हबीब भाई हमारे साथ हैं और मैं ख़ुद उनसे सीखना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि इसको मैंने ही इसको देखना है घर में, मैं ही इंचार्ज हूँ इसका. तो इसमें ये जो सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसके पूरा मेन्यू सिस्टम है, इसका ऐप है, उसको हम समझते हैं. तो मैं ख़ुद भी समझूंगा. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में, प्रॉब्ली अगर आप इस एंड ऑफ द वीडियो तक आ चुके हैं तो आप भी इस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम और ये सब चीज़ें, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो हबीब भाई हमारे एक्सपर्ट इंस्टॉलर हैं, वो आके हमें समझाएंगे, मुझे भी समझाएंगे और साथ साथ आपको भी. जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अवैसली के चैनल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और
एक काम कर लेते हैं, बजाय ये कि मैं आपको डिटेल में बताना शुरू हो जाऊँ ये क्या है ये क्या है ये क्या है, एक जैसा ले मैन पर्सन है जो वैसे भी हमारे लिए एक ले मैन है जिनको इसका बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो हम पूछते जाते हैं कि इनके जहन में जो जो क्वेश्चन है मैं उसको आंसर करता जाता हूँ, तो वही सारे क्वेश्चन आपके भी जहन में होंगे। तो सबसे पहले जो आप एज यू कैन सी ले मैन को, ये लाइटों का क्या मतलब है? लाइटों में ऐसे है कि जिस तरह आपने मेरी अक्सर वीडियोज़ में भी देखा होगा, तीन तरह की लाइटें चल रही होती हैं, जिसके अंदर ये जो है ना रेड और दिस वन रेड, ये हमारे पास ग्रिड के लिए होती है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये आमतौर पे हर इंस्टॉलर अपने लिए एक कोड को फॉलो कर रहा होता है, सेम एज इट इज़ हमने भी एक कोड को फॉलो किया हुआ है, जिसके अंदर से हमारे पास ऑरेंज आउटपुट की लाइट होती है, लाइट लोड पे आप चेक कर सकते हैं, फिर इसके अलावा ग्रीन जो है वो सोलर जनरेशन को बता रहा है, यानी कि सोलर अपनी आउटपुट दे रहा है, रेड आपको बताता है कि आपको वापडा मिल रही है, जिस आप इसको सिंपली देख के मुझे पता चल रहा है ये ऑफ है ये ऑफ है, मतलब इस वक्त वापडा मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं वापडा का ब्रेकर मैंने ऑफ किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि दिन का वक्त है, मेरी सारी चीज़ें सोलर पे चलें। सिस्टम वर्क मोड के अंदर आपको फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस इन्वर्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड फीडिंग के लिए, कल को अगर आप वापडा को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पे देख सकते हैं सेल फर्स्ट, यानी बिजली बनाओ और पहले बेच दो, दूसरे नंबर पे जी जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, मतलब आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी लोड को देनी है, इसी तरीके से लास्ट है जी जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, जो आपके पास ग्रिड टाइप सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर सिटीज के मदद से आप ग्रिड को फीड कर रहे होते हैं, तो हमने इस वक्त इसको ऑफ ग्रिड चलाया हुआ है, यानी कि सेलिंग नहीं कर रहे, तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है। फिर नीचे है जी मैक्स सेल पावर, यानी मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास 10 किलोवाट का सेटअप है, पैनल लेट से 10,000 वाट का है, 5,000 वाट बेचना चाहता हूँ, 5,000 वाट नहीं बेचना चाहता, तो मैं इसमें फिक्स कर सकता हूँ मैक्स सेल पावर, कितनी पावर आपने सेल करनी है। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से ड्यूरिंग द डे, ठीक है, 3 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है शाम होने वाली, ये बादल आ गया एकदम से और एसी चल रहा है, ठीक है, हम इस माइंडसेट से बैठे हुए हैं कि सोलर पे चल रहा है मगर बादल आ गया हमें पता नहीं चला और वो ग्रिड से लेना शुरू कर दिया, तो इसका क्या हाल है? इसमें 10% बैटरी को सेट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा, ये सामने मेंशन है ऑन एंड ऑफ। अब ये होगा कि जब कभी भी बैटरी इस लाइट जाती है, डिफ्यूज़ होते 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 80 पे आएंगी, ये आउटपुट पोर्ट 2 को ऑफ कर देगा, ऑफ हो गया, अब दोबारा से ग्रिड आ गई है या फिर सोलर आ गया है, चार्जिंग शुरू हो जाएगी बैटरीज को, बैटरीज चार्ज होते होते जब 90 पे पहुंचेंगी फिर ये ऑन करेगा, वो एकदम से ट्रांजिशंस ना आए, ऐसा ना हो झटके लगते रहे ऑन ऑफ होता रहे। एक फीचर और ये चाह रहा था कि जो है बैटरी कभी भी वापडा से चार्ज ना हो, जी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ना होना कि दिन के अंदर जो बचत की है रात के अंदर वही ग्रिड से पावर लेकर बैटरी को भरते, तो मैं ऑफ करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने बैटरी चार्जिंग को यूटिलिटी से ऑफ करना है। तो बस आप देख सकते हैं कि जी ग्रिड चार्ज ऑफ है, ग्रिड चार्ज ऑफ है, साथ जेन चार्ज, मतलब जनरेटर तो लगाया ही नहीं है, जनरेटर पोर्ट को हम हैवी लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन होता है अगर आप जनरेटर चार्जिंग से अपने बैटरीज को फीड करना चाहते हैं तो वो हमने ऑफ किया हुआ है, ना ही जनरेटर लगाया है, और ग्रिड चार्ज आप देख सकते हैं अनमार्क है, मतलब रात को इसे चार्ज नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी टच स्क्रीन और पूरा इंटरफेस बड़ा अच्छा है, विच इज़ वाई हम सोलर मैक्स पे इसलिए गए थे, एक तो इसकी वारंटी भी ज़्यादा है और इसकी टच स्क्रीन बड़ी खूबसूरत है, तो वेरी नाइस, थैंक यू अभी भाई। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं इसका, मैं आपको बताऊंगा मेरा अगले महीने का बिल क्या आता है, तो 22-23 हज़ार से कितना नीचे जाता है, ये वी विल सी हाउ मच।